हेलो फ्रेंड्स, सहानी फूड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने प्लेट में सब्जी और रोटी लगाई हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुलके कैसे बनाए जाते हैं, वो भी फुले फुले फुलके। तो इसका सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी, और अब इसे जान के आप भी खिले खिले फुलके बना सकते हैं। तो हम आप स्टार्ट करते हैं अपनी विधि। तो हमने आटा ले लिया है, ज़रूरत के अनुसार आप आटा ले लें और इसे अच्छे से गूंध लें। तो हमने गूंध लिया और साथ ही साथ तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने आटा को गूंध लिया है। अब हम इसे अच्छे से हाथ से थोड़ा मसल लेंगे। इसे हम चोकर पे रख कर भी थोड़ा मसल लेंगे, इससे अच्छा फिगर आता है इसका। अब हम साथ ही साथ लोई बना लेंगे। मुझे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी लोई सारे बना लूँगी। मैंने लोई बना लिए हैं। इसे अब एक एक लोई परफेक्टली लोई बना के इसे मैं आटे में डिप करूंगी। आटा मैंने एक कटोरी में रखा है, उससे बहुत अच्छा तरीका होता है कि आटा मिसमैच ना हो जाए। तो हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, परफेक्टली राउंड। अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ी सी आटे की, तो आप इसी तरीके से मिला सकते हैं चुटकी भर आटा। हमें एक्सेस आटा नहीं चाहिए इसमें। तो हमारा रोटी परफेक्टली राउंड हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इसे तवे में हम रख देंगे। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, हमने रख दिया है। मैं आपको आज तीन रोटी, पूरे के पूरे तीन रोटी बना के दिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप ये देख लेंगे तो आपको कभी भी रोटी बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी। और जैसे जैसे तवा ज़्यादा गर्म होगी, वैसे वैसे आपकी रोटी बहुत जल्दी जल्दी निकलेगी। तो अब हम पलट दिए हैं। मैं यहाँ नॉनस्टिक की तवा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि अंदर से कितना पका है। तो अब हम दूसरे गैस को ऑन कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें रोटी को प्लेस कर देंगे। इसमें जैसे ही हम फ्लेम को हाई करेंगे, वैसे ही हमारी रोटी फुलके तैयार। तो ये बहुत ही इजी है, दोनों साइड से आप सेक ले अच्छे से और हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई। तो अब मैं आपको दूसरी लोई भी बना के दिखा देती हूँ। तो मैं सेम प्रोसेस आजमाऊंगी, आप देखते रहें। पूरी की पूरी सेम प्रोसेस है।
अब हम इसमें तवा में डाल के और इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब इस बार देखिएगा ये रोटी बहुत ही जल्दी सेकाएगी। फर्स्ट टाइम थोड़ा लेट लगा था, सेकेंड टाइम ये बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि तवा हमारी ऑलमोस्ट बहुत गर्म है और एक रोटी निकल चुकी है। ये देखिए बहुत जल्दी हो चुकी है और हमने इसे पलट भी दिया है और हम अब साथ ही साथ हमारी तीसरी रोटी की तैयारी भी हम कर लेते हैं। तो हमने बेलना चालू कर दिया है। ये भी ऑलमोस्ट हो गया और हमारा तवा वाला रोटी भी हो चुकी है। तो इसे हम आग में हम सेकेंगे अब, पर एक बार हम पलट देते हैं। तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे गैस फ्लेम पे डाल देंगे और हाई फ्लेम करते ही ये फूल जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप रोटी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है। हम आप तीसरी वाली भी हमारा बेलना कंप्लीट हो गया था तो हम इसे भी प्लेस कर देंगे और ये बहुत जल्दी बन जाएगी क्योंकि थर्ड वाली है लास्ट। तो आप हम पलट देते हैं इसे। तो ये देखिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो दूसरे साइड पकते ही हम इसे आग में डाल देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी रोटी पक चुकी है। तो अब हम इसे आग में डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। हमारी रोटी बनकर तैयार है। हम गैस का फ्लेम को ऑफ करते हुए रोटी को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं आपको अब सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करके अच्छे से मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो हमारी परफेक्टली रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे हम आलू बैंगन की सब्जी के साथ खा रहे हैं। आप कोई भी सब्जी के साथ इसे ट्राई करें इस तरीके से रोटी बना के, आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और वो परफेक्टली राउंड रोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और अभी भी देखने में लग रहा है कि ये फूले के फूले हैं। मेरा ये डिश अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।